ध्यान दे बेटा एक बात और, हमारे पास अगर कोई अवयव ए दिया गया है 1 2 3 4 तो इसके संगत साढ़े कितना हो जाएगा, साढ़े ए बराबर 1 2 3 4 ओके। और ध्यान रखना कि साढ़े ए का मान हम निकाल सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, अभी हमने प्रसार करना बताया आपको, 4 एकम 4 माइनस का इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6 कितना आया माइनस। ओके बेटो, कोई दिक्कत किसी को सुन में आ गया? ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम कहाँ क्या कर सकते हैं, हम किसी साड़ी का मान निकाल सकते हैं। ओके, और एक बात और ध्यान रखना, जो हमारा इस तरह लिखा हुआ होता है ये, इसको हम जब किसी साड़ी को लिखना होता है तो इस तरह से लिखते हैं डिटरमिनेंट ए, क्या कहीं कहीं इस तरह से लिखा जाता है डिटरमिनेंट ए, तो इसका मतलब हुआ साड़ी ए, क्लियर। हाँ, इसको हम मापांक नहीं पढ़ते हैं, पहले हम लोग क्या लिखते थे, इस तरह से लिखते थे जैसे मॉड ए या मापांक ए पढ़ते थे, ये मॉड या मापांक ए नहीं बल्कि सारणिक ए या डिटरमिनेंट ए पढ़ा जाए। ओके, और किसी सारणिक का हम मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी सारणिक का हम मान ज्ञात कर सकते हैं, परंतु आव्यूह में हम एक स्पेसिफिक मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, आगे हम देखते हैं सारणिक, सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म, सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म, सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म ध्यान देना, नंबर एक यानी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। नंबर एक, यदि किसी सारणिक कि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो सारणिक का मान शून्य होगा, तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। ओके बेटा, जैसे हमने मान लिया हमारे पास एक सारणिक है, ये कोटि 3 की 0 0 0 1 2 3 4 5 6 तीनों एलिमेंट 0 है का पंक्ति के, इसका मान 0 होगा, 0 0 0 1 2 3 4 5 6 मतलब कुछ भी मान हो यहाँ पर, अगर इस पंक्ति स्तंभ की सभी अवयव और इस पर सारणिक इस पंक्ति के सभी अवयव कैसे हैं, एलिमेंट सारे 0 हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, पंक्ति के प्रत्येक अवयव शून्य है, इस स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है, तो इस सारणिक का मान कितना होगा शून्य होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। अब कहता है यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई सारणिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंक्तियों को, ये पंक्तियां हैं स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्तियों में, गौर करना 1 4 7 2 5 8 3 6 9 हमने क्या करा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया, तो क्या हुआ, दोनों की साड़ी के मान बराबर होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर, पंक्ति को साड़ी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो तो साड़ी के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। हाँ, एक बात और बता दें आपको इसी के चलते, कि हम किसी सारणिक की पहली पंक्ति के सापेक्ष या दूसरी पंक्ति के सापेक्ष या तीसरी पंक्ति के सापेक्ष उसका विस्तार करें, या पहले स्तंभ के सापेक्ष करें या दूसरे स्तंभ के सापेक्ष करें या तीसरे स्तंभ के सापेक्ष करें, सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके बेटा, नंबर तीन देखिए, नंबर तीन प्रॉपर्टी क्या थी, दूसरी थी नंबर तीन प्रॉपर्टी हमारी, यदि सारणिक की किसी किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों को परस्पर भिन्न कर दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता किंतु चिन्ह बदल जाता है। गौर करना, हमारे पास एक सारणिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्तंभ से स्तंभ को चेंज कर दो, इन दोनों स्तंभों को आपस में चेंज कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बस साइन चेंज हो जाएगा यानी माइनस आ जाएगा, ये वाली पंक्ति यहाँ स्तंभ यहाँ के 4 5 6 1 2 3 और ये 7 8 9 और केवल क्या आ गया माइनस आ गया, कोई दिक्कत बेटा, अगर एक बार फिर चेंज कर दें इसको यहाँ ले जाएं और इसको फिर यहाँ ले आएँ तो फिर क्या आ जाए, फिर माइनस आ जाएगा, फिर वापस क्या मिल जाएगा हमको, प्लस का मिल जाएगा, यानी कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमसे कहता है यदि किसी साड़ी में कोई दो पंक्तियों या स्तंभ सर्वसम हो तो उस साड़ी का मान शून्य होता है। मतलब क्या कहता है, हमसे कहता है किसी साड़ी में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो, यानी कि दोनों के एलिमेंट सेम हो। कोई दो पंक्तियां हमने मान ली जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6, दो पंक्तियां या दो पंक्तियां दोनों कैसी हैं, सर्वसम हैं, दोनों की एलिमेंट कैसे हैं, सेम हैं, सेम एलिमेंट है, ओके, और सेम एलिमेंट है और सेम प्लेसेस पर है, A11 पर 1, A12 पर और ए इस पर है 13 पर, या A21, A22, A23, यानी दोनों कैसे हैं, सर्वसम है बिल्कुल, तो इसका मान भी कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। इसी तरह से अगर दो स्तंभ अगर सर्वसम हो जाए 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 इक्वल टू, तो कैसे होगा, जीरो होगा। अब ये मत सोचना केवल 1 2 3 को, कोई भी मान, कोई भी वैल्यू हो सकती है इन जगहों पर, कोई भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों कैसे होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे जो वैल्यू ये हो, जो वही वैल्यू यहाँ हो, जो यहाँ हो वही यहाँ हो, जो यहाँ हो वही वैल्यू यहाँ हो, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगा, इनकी वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी शून्य हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है यदि किसी पंक्ति के एक या एक के, यदि किसी पंक्ति के एक स्तंभ में सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारिक विमान में भी संख्या से गुणा हो जाता है। गौर करना मेरी बात पर ध्यान से, क्या कहता है, हमारे पास एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बात थोड़ी ध्यान से देखना, ये दिया गया कोई हमारे पास साड़ी, अगर हम दो का गुणा करते हैं, इसमें हम दो का गुणा करें तो वो जो दो का गुणा अंदर किया जाएगा वो आप किसी एक पंक्ति में, किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में ही कर सकते हैं। आप सोचो पूरे में हो जाए तो नहीं हो सकता, जैसे हमारा हो जाता था अवयव में, हम जब किसी भी संख्या का गुणा करते थे अवयव के अंदर तो प्रत्येक अवयव में उस संख्या का गुणा हो जाता था, लेकिन यहाँ पर जब गुणा करेंगे हम किसी संख्या का तो या तो वो किसी एक पंक्ति में होगा या फिर किसी एक स्तंभ में होगा, ओके। जैसे ये दो है, अब इस दो का गुणा करना है तो इस दो गुणा मान लो, या तो इस फंक्शन स्तंभ में करो या स्तंभ में करो या स्तंभ में करो या इस पंक्ति में, इस पंक्ति किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में होगा, बस इसमें करेंगे 2 4 6 4 5 6 7 8, इसकी वैल्यू आ गई, ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरह से कॉमन लेंगे हम तो अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ से कॉमन लेंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, समझ में आ गई ये बात। चलिए चलो कॉमन लेने वाली भी ये बात ध्यान रखना, अगर कॉमन लेंगे तो अगर इससे कॉमन आ रहा तो अलग निकाल लेंगे, इससे भी आ रहा तो उससे भी अलग निकाल लेंगे, और इससे आ रहा तो इससे भी निकाल लेंगे, यानी तीनों पंक्तियों से अगर तीनों स्तंभों में या तीनों पंक्तियों में अलग अलग कॉमन आ रहा है तो हम उसे निकाल सकते हैं, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, हाँ ये बात ध्यान की सुनने को, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो साड़ी को उसी कोटि के दो साड़िकों के योग के रूप में योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है। जैसे गौर करना, हमारे पास ये हुआ है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3, ओके। यहाँ पर मान लो मेरे पास होता α1 α2 α3, ओके, तब हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर योग के रूप में है तो क्या करेंगे, दो अवयव उसको दो साड़ी के रूप में बनाएंगे, पहले साड़ी में जो है इसको इसको और इसको लेंगे, ओके, हो गए तीनों स्तंभ, दूसरे साड़ी में पहली वाली स्तंभ के लिए इसको लेंगे और बाकी दोनों ये वाली सी बनाएंगे, ओके, यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ओके, प्लस α1 α2 α3 या A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ओके बेटा, तो हमने इसको दो साड़ी के रूप में बांट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरह से अगर हमारा किसकी फॉर्म में होता, अगर यहाँ पर जुड़ा होता तो इस वाले को, पहले वाले टर्म को इसके साथ दे देते, दूसरे वालों को हम इसके साथ दे देते, ओके, क्लियर है। इस तरह से अगर हमारा पंक्ति के रूप में जुड़ा होता तो वहाँ भी हम इसी तरह से इसको चेंज कर लेते, ओके बेटा, इसी तरह से इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट, यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति
कि अव्ययों में दूसरी पंक्तियों के संगत अव्ययों के सम अपवर्त जोड़ा या घटाए जाए तो साड़िक के मान में परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहा है जरा ध्यान देना, मतलब हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास एक दिया हुआ है साड़िक ए वन प्लस एल बी वन प्लस एम सी वन और ए टू प्लस एल बी टू प्लस एम सी टू और ए थ्री प्लस एल बी थ्री प्लस एम सी थ्री और बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। मतलब क्या कह रहा है जरा ध्यान देना मेरी बात को, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू और सी थ्री। क्या कह रहा है ध्यान देना, ये जो अव्ययीय सारणिक दिया गया है इस सारणिक के इस सारणिक को हम क्या करें इस स्तंभ से इस स्तंभ की क्या इस एलिमेंट्स के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ही किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें यानी दोनों साथ अलग अलग और इन तीनों को ऐड कर दें तो ऐड ये जो मिलेगा सारणिक ये और ये दोनों का मान समान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ए वन इसमें मल्टीप्लाई करा एल का एल बी वन और प्लस इसमें करा सी वन का एम सी वन, तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। इस तरह से यहाँ देखो ए टू प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एल का एल बी टू प्लस एम सी टू, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया, तीनों को जोड़ के लिख दिया। यहाँ देखो ए थ्री प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एल बी थ्री प्लस एम सी थ्री, तीनों को जोड़ के हमने यहाँ लिख दिया। ये ऐसी होती है, ध्यान करो वो ऑपरेशन जो हमने आपको बताए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन में, ध्यान है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे वहाँ भी हम ऐसे कर रहे थे नहीं कर रहे थे, इसमें इसको मल्टीप्लाई किया किसी टर्म का और इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। ओके बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है एकदम, चलिए ठीक है ध्यान।